हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें बात होगी आपकी किस्मत की और कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, और अगर किसी तरह की कोई परेशानियां हैं तो उनके क्या हैं उपाय। और ये बताने के लिए जल्द हम रुख करेंगे हमारी गेस्ट का। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले स्वागत करते हैं आज की हमारी गेस्ट तारा मल्होत्रा जी का, जो है टैरो कार्ड एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत तारा जी आपका। शुक्रिया नंदिनी जी। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। उससे पहले, जैसा कि सभी दर्शक जानते हैं, इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो जरूर आप कॉल करें और अपना सवाल आप तारा जी से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए तारा जी, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, तो क्या है आज का सुविचार? जरूर, आज का सुविचार यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, ये जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। तो सही सोच होना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी उम्र क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उम्र जो भी हो उसमें आपकी सोच क्या है ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सोच सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल, आपने विचारों की यहाँ पर बात करी और विचार सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नंबर वालों की। एक नंबर वालों के लिए तारा जी, कैसा रहने वाला है आज का दिन? जरूर नंदनी, एक नंबर वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। मुश्किलों का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है कार्ड के अंदर। मुश्किल चीजें खत्म होंगी, सिचुएशंस खत्म होंगी, बिजनेस व्यापार में वृद्धि होगी, साथ ही साथ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज से कई चेंजेस होंगे आपकी लाइफ के अंदर जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे। और अगर कोई ना कोई चीज थी जहाँ पे बिजनेस में लॉस हुआ है, जॉब में आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो आज वहां से रिकवरी है, तो नए दिशाएं भी बनेंगी। नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, नई दिशाएं भी बनेंगी, नई दिशाएं भी मिलेंगी, तो काफी अच्छा समय रहेगा। पैसों को सोच समझ के आज इन्वेस्ट करना है, कहीं पैसे फंसाने नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी गलती से आप पैसे फंसा भी सकते हैं। आज रिश्तों में आप काफी स्ट्रांग रहेंगे, अपने पक्ष को लेके, अपनी बातों को लेके आप दृढ़ रहेंगे, तो आज थोड़ा सा स्टबननेस दिख रहा है, बट कभी कभी अपना पक्ष लेना, अपना अपनी बात कहना भी जरूरी होता है, तो आज आप काफी स्ट्रांग है अपनी बातों को लेके। हेल्थ काफी बैलेंस्ड है, अगर कुछ गड़बड़ थी भी तो आज आप देखेंगे कि हेल्थ में एक नए सिरे से नया सवेरा है, तभी आज रिकवरी का भी कार्ड है और रिकवरी भी दिख रही है। लकी नंबर है आज के लिए 2 और कलर है येलो। चलिए आगे बढ़ते हुए तारा जी बात कर लेते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? जरूर, आज 2 नंबर वालों के लिए कार्ड्स ये बताते हैं कि आज कहीं ना कहीं पे इनको टाइम निकालना है काम के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि थोड़ा ध्यान इनका आज पर्सनल लाइफ पे ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में इश्यूज दिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है, तो वो इनका सारा टाइम खींच ले रहा है। तो आज फोकस पर्सनल लाइफ ज्यादा रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कम रहेगी, आपको सेंसिबल अप्रोच लेनी है। चैलेंजिंग सिचुएशन है आज रिलेशनशिप में, काफी ज्यादा रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव है, तो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग से डील करना पड़ेगा, वरना काफी इंपॉर्टेंट रिश्ते आज खत्म हो सकते हैं, जो बाद में आपको जिन चीजों का काफी पछतावा रहेगा। तो आज का फोकल पॉइंट काम या बिजनेस नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते रहेगा, ये पार्टनरशिप भी हो सकता है। जो लोग बिजनेस में है, व्यापार में है, तो उनको भी आज अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा व्यवहार सही रखना है,
और अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं या जॉब में कोई आप अपने बॉस के साथ बात करना चाहते हैं, कहीं कोई डील क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपकी परेशानी आज दिख रही है, परेशानी आ सकती है। ब्लैक कलर आपको आज अवॉइड करना है। लकी नंबर है आज आपके लिए 1 और लकी कलर है आज आपके लिए रेड। चलिए तारा जी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं सितारे? जरूर 3 नंबर वालों के लिए आज के कार्ड्स कहते हैं हैप्पी टाइम्स, पॉजिटिव टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। मतलब आज का दिन काफी अच्छा रहेगा, सही रास्ते पे आज ये हैं। काम को लेके, बिजनेस को लेके आज जो भी उतार चढ़ाव पास्ट में थे या जो भी अप एंड डाउन हो रहा था उसमें आज से स्थिरता आ जाएगी। आज से आप एक डायरेक्शन पकड़ लेंगे और अप एंड डाउन भी खत्म हो जाएंगे। जॉब जो करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर आने का संकेत है। अगर जॉब चेंज कर रहे हैं, इंटरव्यू दिया है तो आज पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज काफी अच्छा दिन है, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन नहीं है, नुकसान होगा। पैसे किसी को उधार नहीं देने हैं। रिश्ते काफी अच्छे रहेंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रपोजल्स आएंगे और हेल्थ भी काफी अच्छी है, हेल्थ भी काफी बैलेंस्ड है। कुछ अगर इश्यू था आपके पास्ट में तो आज आप देखेंगे कि अपनी समझ से, सूझबूझ से आज आप उसमें से हेल्थ के लिए भी रास्ता निकालेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। लकी कलर है आज आपके लिए क्रीम और लकी नंबर है 1। चलिए आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे? जरूर 4 नंबर वालों के लिए आज का दिन काम में काफी टेंशन है, काम में थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। आपको प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप चीजों में बहते जा रहे हैं। प्रायोरिटाइज करना है, चाहे बिजनेस है, चाहे काम है, चाहे जॉब है, आपको ये देखना है कि पहले, सबसे पहले कौन सा जरूरी काम है और कहाँ आपको वहां पे फोकस करना है। क्योंकि ऐसा है कि आप काम कहीं कर रहे हैं और आप कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात आज हो रही है, तो आपको थोड़ा सा बचना है वरना नुकसान हो सकता है। फोकस से काम करना है, प्रायोरिटाइज करके काम करना है। पैसे दिए हुए हैं तो वापस जरूर आएंगे। आज के दिन लोन्स जो लोग लेना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, पैसे वापस मांगना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा दिन है। आपको वापस पैसे आपके मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट भी आज कर सकते हैं, काफी अच्छा दिन है। रिश्ते अच्छे हैं, आप एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं और रिश्तों को लेके आज काफी पोजेसिव भी हैं, तो आज का दिन थोड़ा सा रिश्तों की तरफ आपका ध्यान रहेगा और आपके पार्टनर आपकी काफी सपोर्टिव रहेंगे। हेल्थ आज आपकी काफी बैलेंस्ड है, हेल्थ आज आपकी अच्छी है, पुरानी परेशानियों से बाहर आ गए हैं। लकी कलर है आज का आपका ग्रीन और लकी नंबर है आज का आपका 3। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? जरूर 5 नंबर वालों के लिए आज के टैरो कार्ड बताते हैं कि आज उनका दिन काफी अच्छा है। सेल्फ डिस्कवरी का आज टाइम है। आज स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी, जो मेन कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का है, जो कहता है कि आज आपको भगवान में ध्यान लगाना है, अध्यात्म की तरफ थोड़ा ध्यान लगाना है। काम में थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पॉलिटिकल कोई लोग आपको मतलब आपके साथ कोई हेर फेर कर सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं। टारगेट अचीव करने में आज मुश्किल हो सकती है। बिजनेस में तनाव हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के आज काम करना है। थोड़ा सा शांत रहना है, दिमाग में पहले आपने प्लानिंग करनी है और उसके बाद अपनी बात को कहना है, वरना लोग आपकी बात को गलत भी समझ सकते हैं आज के दिन। तो ये आज कहीं ना कहीं पे परेशानियां बनी हुई हैं, तभी शायद जो मेन कार्ड आपका आया है स्पिरिचुअलिटी का आया है, थोड़ा सा शांत करेगा आपके मन को। मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा समय अपने साथ बिता सकते हैं, ताकि ये जो इतना कॉन्फ्लिक्ट आज दिख रहा है काम में, बिजनेस में, जॉब में, बॉस अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा शांत रहें। रिश्ते आज थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें, वरना चीजें आपके हाथ से निकलेंगी। और हेल्थ आज आपका साथ दे रही है, हेल्थ बिल्कुल सही है, हेल्थ में कोई इश्यू नहीं है। लकी नंबर है आज का 9, कलर है ब्लू। चलिए तारा जी आप बनी रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से वापस लौटेंगे।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक बार फिर से रुक करते हैं आज के हमारे गेस्ट तारा मल्होत्रा जी का और बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। तारा जी, 6 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं आज टैरो कार्ड्स? जरूर, 6 नंबर वालों के लिए आज के कार्ड ये कहते हैं कि इन्होंने बीज तो सही बोए हैं बट अभी खेती काटने का टाइम नहीं है। एक शॉर्ट में समरी में बात है कि अभी वेट का टाइम है, वॉच का टाइम है, डायरेक्शन आपकी सही है, काम आप सही कर रहे हैं बट अभी समय नहीं आया है। जी तारा जी, तो हमारी गेस्ट लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से उनका हम संपर्क उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बता दें, 6 नंबर वालों की तारा जी बात कर रही हैं। किस्मत कनेक्शन में हर दिन हम बात करते हैं आपके नंबर्स के हिसाब से। आपका नंबर होता है जो आपकी बर्थडे का नंबर हो, यानी अगर आपका जन्मदिवस 1 तारीख का है तो आपका नंबर होगा 1, और अगर आपका जन्मदिवस 20 तारीख का है तो 2+0 यानी 2, आपका नंबर होगा 2। इस तरीके से आप अपना नंबर निकाल सकते हैं और नंबर्स के हिसाब से ही टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो लगातार हर दिन इस कार्यक्रम में आपको हम बताते हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ तारा मल्होत्रा जी जुड़ चुकी हैं। अब से 1 से 5 नंबर तक की बात हुई और आज कार्यक्रम में हम त्योहारों के सीजन की विशेषता के बारे में भी बात करेंगे कि अब जो दिन चल रहे हैं उनमें कैसे पूजा पाठ की जाए और धनतेरस भी नजदीक है, ऐसे में क्या किया जाए जिससे आपका त्योहार आपके लिए खुशहाली लेकर आए। और तारा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तारा जी, बात 6 नंबर वालों की हो गई थी, अब बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? जरूर, 7 नंबर वालों के लिए आज के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आज का जो समय है इनके लिए काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। करियर में आज काफी एडवांसमेंट है और काफी आगे बढ़ रहे हैं, ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं। बट इनको ये ध्यान रखना है कि जब हम स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो हमें केयरफुल भी रहना होता है, हमें ध्यान भी रखना होता है, बैलेंस करने का बहुत अच्छा टाइम है। तो करियर में आज आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में आज आगे बढ़ेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको इनको ग्रैब करना है। रिश्तों में बड़ों का ध्यान काफी रखना है आज। अगर स्पेशली आपके घर में बड़ी लेडी है, माँ है या आपकी वाइफ है, उनका जरूर ध्यान रखें क्योंकि कहीं ना कहीं पे काम करते करते आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा उनको आज महसूस होगा। तो थोड़ा सा उनके साथ समय बिताएं, थोड़ा सा उनका साथ दें। हेल्थ आज काफी पॉजिटिव है। लकी नंबर है आज आपके लिए 5 और लकी कलर है आज आपके लिए येलो। चलिए तारा जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पहले रोहित, रोहित जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? रोहित जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी मैडम जी, आ रही है। जी जी अपना सवाल रख सकते हैं आप। मैम बिजनेस के लिए बात करनी थी। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22-3-91। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में? मैम नौकरी के लिए काम रुका हुआ मैम। जी देखिए रोहित, अभी थोड़ा सा समय ऐसा ही चलेगा, 2021 के बाद आपका काम बनेगा। तो दो अभी थोड़ा 2-3 महीने काम में ऐसे ही अप एंड डाउन रहेगा। ये साल आपका 2 नंबर चंद्रमा का साल है आपके लिए, तो ये थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए लेके आ रहा है। इसीलिए आपकी जॉब में या किसी भी काम को जहां आप करने जा रहे हैं वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। थोड़ा समय ऐसा ही रहेगा अभी कुछ 2 महीने, उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो अपने आप ही होने लग जाएंगे।
आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो आपके घर की पूर्व दिशा है, मतलब जहां से नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां पे आप पानी से जुड़ी कुछ चीजें रखें, जैसे कि आप वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, शीशा लगा सकते हैं या ब्लू कलर की कोई चीजें रख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपके जो काम रुके हुए हैं, आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप मिलेगी। जहां अभी आपके पास एक जॉब का ऑफर आता है या कहीं पे जॉब में आपको बॉस आपकी बात नहीं सुनता, वहां पे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। तो पानी संबंधित सामान, फाउंटेन, एक्वेरियम, कुछ ऐसी चीजें नॉर्थ में पूरब की तरफ रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स तारा जी? जरूर, 8 नंबर वालों का जो दिन है आज काफी अप एंड डाउन का दिन रहेगा। कभी काम बनेगा और कभी बिगड़ेगा। बहुत तेजी से चेंजेस आएंगे इनकी लाइफ के अंदर। तो पैसे आज इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आगे कहीं पे भी किसी तरीके की प्रॉमिस नहीं करना है, काम में, बिजनेस में। अगर जहां पे भी जॉब कर रहे हैं, अभी आज वहीं पे ही ध्यान लगाएं, काम में फोकस करने का आज दिन है। अप एंड डाउन बिल्कुल बने रहेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग दूसरे के साथ बहुत अच्छी ना बन पाए काम में, व्यापार में। और पैसे आज इन्वेस्ट भी नहीं करने हैं, आज पैसे संभाल कर रखने हैं। कोई भी डिसीजन अगर आप इम्पोर्टेंट लेना चाहते हैं तो उसे कल पे टाल दें। घर में काफी अच्छा समय है, घर का कार्ड बहुत ही अच्छा आया है। घर के साथ आप फैमिली के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे, फैमिली मेंबर्स आपके काफी सपोर्टिव रहेंगे। कोई खुशखबरी भी घर पे आज आ सकती है। तो आज का दिन काफी अच्छा रहेगा घर की फैमिली की तरफ से। और हेल्थ भी काफी अच्छी है। हेल्थ, आप अपनी मेहनत जो हेल्थ पे करते हैं, अपना ध्यान जो हेल्थ का रखते हैं, वो धीरे 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 आपको स्ट्रांग बना रही है। तो आज हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा दिन है। लकी नंबर आज के लिए आपका है 4 और कलर है रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 9 नंबर वालों की। 9 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज तारा जी? जरूर, 9 नंबर वालों के लिए आज की जो कार्ड्स है काफी अच्छे हैं। लाविश अबंडेंस, मतलब जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आज यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है। जो भी चीजें आज आप करना चाहते हैं, विशेस, आज आपकी इच्छा के हिसाब से आपका काम होगा। संक्षेप, जो चीजें आप करना चाहते हैं आज यूनिवर्स आपको, रिकॉग्निशन मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, बॉस आपसे काफी खुश मिलेगा, फेम मिलेगा, बॉस आपसे काफी खुश रहेंगे। और काम में कहीं ना कहीं हो सकता है कि काम में आपको कोई ना कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आज सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। तो आज आपको ध्यान रखना है, काम में आपको आज आपका लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। तो आज काफी अच्छा दिन है काम को लेकर। रिश्तों में भी काफी आज मूवमेंट है। जो परेशानियां पीछे कुछ टाइम से चल रही थी रिश्तों में, आज आप उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे रिश्तों में, उनको सॉल्व करके। और हेल्थ भी आज काफी अच्छी है। अगर तबीयत कुछ खराब चल रही थी तो आज आप वहां से रिकवरी की तरफ चलना शुरू कर देंगे और अगले 5 से 6 दिनों में पूरा रिकवर कर जाएंगे। लकी नंबर है आज के लिए 1 और कलर है आज के लिए व्हाइट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में फिलहाल इतना ही।